हेलो, मैं डॉक्टर कामिल मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे फीडिंग ऑफ वेरी सेंसिटिव ब्रीड एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रीड चिहुआवा। जैसे कि आप जानते हैं, चिहुआवा एक सबसे डॉग की सबसे छोटी ब्रीड मानी जाती है। इनका एवरेज वेट अराउंड 3 से 6 kg आसपास होता है। चिहुआवा एक काफ़ी हाई एनर्जी ब्रीड है और जो एज़ कम्पेयर टू दूसरे डॉग्स पर पाउंड अराउंड 3 गुना ज़्यादा अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं अपनी प्लेफुल एक्टिविटीज़ या फिर जो भी डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं उनकी। और जो ओनर होते हैं मोस्टली वो इनको ओवरफीड करते हैं क्योंकि साइज़ के हिसाब से वो सोचते हैं कि नहीं, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बट स्टिल उनका वेट इतना होता है और नेचुरली ज़्यादा खिलाएंगे तो वेट तो बढ़ेगा ही उनका। तो सबसे पहले हमें क्या है, इनका घर पे जो भी हम उनको एक्स्ट्रा फूड देते हैं वो इन्हें बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रीड है कि काफ़ी जल्दी वेट गेन कर लेती है और इस हिसाब से फिर जो भी हम एक्स्ट्रा ट्रीट्स वगैरह देते हैं बिल्कुल काफ़ी लिमिटेड होनी चाहिए इनकी। बिल्कुल टेबल स्क्रैप्स कुछ नहीं देना हमने। और ओवर फीडिंग अगर हम करवाते हैं इनको, कुछ भी देते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा डॉग फूड, ग्रेवी वगैरह कुछ भी देते हैं, उससे क्या होता है पपीहुड में इनका वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वेट गेन इसलिए होगा क्योंकि वो जो उनके फैट वगैरह उस टाइम एकोमोलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में और वो फिर आगे जाके भी रहेगी जब एडल्टहुड में बोल जाएंगे। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं जैसे कि बोन वीकनिंग हो गई, ओबिसिटी तो है ही, स्किन प्रॉब्लम्स आ गई, रिकेट्स हो सकती है। और एक स्टैंडर्ड क्या है चिहुआवा का जो हम मान के चलें कि हाँ भाई इस साइज़ का हो, कन्फर्मेशन का हो तो वो ठीक है। सबसे पहली बात जो उनकी रिब्स हैं वो हम जैसे उनको फील करें उनके ऊपर थोरैक्स पे उनके जैसे हाथ फेरते हैं तो हमको उनकी रिब्स फील होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम बाहर से हाथ फेरें तो रिब्स वगैरह कुछ फील ना हो, तो बेयरली विजिबल होनी चाहिए रिब्स उनकी। और दूसरा है कि जो उनका वेस्ट है, जो वेस्ट लाइन है वो एज़ कम्पेयर टू थोरैक्स छाती से थोड़ा सा नैरो होना चाहिए, तो इसी को हम स्टैंडर्ड साइज़ मानते हैं चिहुआवा का। और इनकी जो लीन बॉडी वेट है वो थ्रू आउट लाइफ ऐसे ही रहता है। ये नहीं है कि आपको लगता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये थोड़ा मोटे होंगे या फिर थोड़ा साइज़ बड़ा होगा, वैसा कुछ नहीं है। लीन बॉडी वेट ही रखना है आपने इनका हमेशा। और खाने में कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इनको कैलोरी रिच फूड दे रहे हैं तो आपने खाने को मात्रा कम देनी है, और अगर कैलोरी रिच फूड नहीं है तो फिर खाने की मात्रा आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। एज वाइज अब फीडिंग होती है, एज वाइज कैसे, अगर हमारे पास बिल्कुल जो बिल्कुल पपी है तो उसको आप दिन में 4 बार खाना दे सकते हो, 4 से 5 बार दे सकते हो। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो फिर आपने डाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाइट वो भी कम करनी है। अराउंड 3-4 महीने का होगा तो आप 3 बार फीड दे सकते हो उसको। 6 महीने से ऊपर हो जाएगा तो फिर 3 महीने कंटिन्यू करनी है। जब साल का हो गया फिर 2 बार, जैसे फिर 2 साल 3 साल का हो गया फिर आप दिन में 1 बार भी दोगे तो, पर कैलोरी रिच होना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स रिच होना चाहिए तो वही इसके लिए ठीक है। और जो पपीज़ में डाइट आती है वो सबसे पहले होती है प्रोटीन रिच होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि इनको ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। फिर उसके बाद जो अडल्ट स्टेज की आती है वो मेंटेनेंस डाइट होती है, उसमें आपने इतना प्रोटीन वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए मात्रा। फिर जैसे सीनियर डॉग आ गया, अराउंड 8 साल के बाद हम चिहुआवा को सीनियर ही मानते हैं, तो उस टाइम पे आपने इसको एक तो प्रोटीन रिच करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि वो सीनियर डॉग थोड़ा अपना मसल लूज़ करते हैं, मसल मास, तो उसके लिए हमको थोड़ा प्रोटीन शुरू से, अगर हम 8 साल की उम्र एज से ही स्टार्ट कर देंगे तो आगे जाके इतना डिफरेंस हमको पता नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मल्टी विटामिन वगैरह, बीटा कैरोटीन वगैरह ये सब डालना उनमें, तो उसकी काफ़ी हेल्दी रहें वो। और मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपका चिहुआवा काफ़ी एक्टिव है, मतलब कुछ होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उसको आप पपी फूड, ज़रूरी नहीं है आपको अडल्ट फूड पर डालना, आप पपी फूड ही डाल सकते हो उसको, क्योंकि उनकी उसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट कुछ ब्रीड, कुछ पपी डॉग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई काम वगैरह मतलब घूमना फिरना, एक्टिविटी लेवल उनका काफ़ी कम होता है, तो उनको आप फीड ऐसी डालो जिसमें फैट परसेंटेज काफ़ी कम हो कि उनका वेट ज़्यादा गेन ना हो, ठीक है। और हम उनको फीडिंग का 2 तरह
से हम उनको डिफ्रेंशिएट या कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने आपसे अभी बात की, और दूसरा एज। फिजिकल एक्टिविटी में आपने अगर तो नॉर्मल एक्टिविटी है तो कितने एज पे कितने ग्राम आपने फीड डालनी है वो होना चाहिए, और अगर हाई एक्टिविटी है तो कितनी एज पे कितने ग्राम फूड डालना आपने वो आपने रखना चाहिए। और दूसरा आगे एज, एज भी सेम इसी हिसाब से होगी, अगर 2 महीने का है तो कितने वेट पे कितनी फीड डालनी चाहिए, ये एक टेबलर फॉर्म में है, ये वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। तो बस यही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 साल की एज पे चिहुआवा हम सीनियर मानते हैं, तो आपको इस टाइम पे प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए। एक तरह से एक मिथ है कि हाई प्रोटीन डाइट जब हम देते हैं तो कई बार किडनी इशू होते हैं, तो ये एक मिथ को आप फॉलो ना करें। किडनी इशू हमेशा जब एज हमारी बढ़ती जाती है तो उसी वजह से होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट से कोई लेन देन नहीं है इसका किडनी इशूज़ का। और वैसे अराउंड 30 से 33% प्रोटीन इज़ कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर चिवावा, तो आप इसी को फॉलो करें। और इन केस कोई भी क्वेरी हो आपके पास, आपको कैसी फीडिंग करनी है कैसी नहीं करनी है, तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ अपने सर्कल में शेयर वगैरह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।